माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, मैं माजी सैनिक सुरेश मुंडे, गाँव दिंद्रूड, तहसील माजलगाव, जिल्हा बीड, महाराष्ट्र, सहपरिवार इच्छा मृत्यु मांगता हूँ। हमें मरने की इजाज़त मिले। महोदय, पॉलिटिक गांव गुंडों से हाथ मिलाकर ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, BDO, CO, इन सब ने सरकारी ज़मीन के नकली झूठे कागज़ बना करके मुझे सरकारी जगह बेचकर फंसाया गया है। मैंने पिछले 3 सालों से 6 बार अमर अनुपोषण भीख हड़ताल किया, सभी अधिकारियों से न्याय की भीख मांगी और सभी से न्याय की गुजारिश की, आमदार खासदार साहब के पैर पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। पंत प्रधान, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के सभी कलेक्टर वगैरह को न्याय मांगा और उनको खत भेजा, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैं माननीय न्यायालय माजलगांव से अपील में गया, लेकिन वहाँ खाली हाथ लौटना पड़ा। कारण पॉलिटिकल प्रेशर, इन बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सभी मिलकर के मेरे परिवार को मारना चाहते हैं और पुलिस उनकी मदद कर रही है। ये राजकारणी वाले गुंडे पुलिस को मेरे ऊपर झूठे केस बना करके, जैसे अट्रासिटी, मुसलमानों को गाली दिया करके वगैरह फंसा करके मुझे LCB में पूरे दिन तक कोई ना कोई गुनाह दाखिल करके मुझे फंसा रहे हैं। और अभी तो ऐसा पता चला है कि हमें जातीय दंगल में फंसा के जिंदा मारने की साजिश सामने आई है। सर, मेरा परिवार जिंदा लाश बन गया है। मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूँ। हर दिन मुझे जलील किया जा रहा है। मुझे न्याय मिलने की उम्मीद बाकी नहीं बची और इन गुंडों के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही आपसे मौत की इजाज़त मांगू और हर दिन मरने से अच्छा एक ही बार परिवार के साथ मरूं, क्योंकि मेरा बच्चा अपंग है और मेरे बाद वो कैसा बचेगा, वो कैसा रहेगा, कैसा जिएगा। मैं आपसे मौत की भीख मांगता हूँ। जिन फौजी भाइयों ने मेरे परिवार को न्याय देने के लिए मदद की है और कर रहे हैं, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। जो भी प्रहार संघटना वगैरह, जो संघटना मेरे पीछे खड़ी थी, मैं उनका साष्टांग दंडवत करता हूँ। मैं आपने लिए जिन्होंने मदद की है, जैसे त्रिदल संघटना, उनके अध्यक्ष, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। संदीप लगड़ा और उनके टीम ने मेरे लिए आके जो मदद की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। राष्ट्रीय यूनियन और उनके सभी पदाधिकारी तथा फेडरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय सैनिक संगठना, सभी का मैं आभारी हूँ। रात को मुझे रविंद्र भाई का फोन किसी ने भेजा है, शायद भगवान ही उनके रूप में मेरे मदद के लिए आए हो। हे ऊपर वाले, तू भगवान बन के रविंद्र के रूप में मेरे परिवार की मदद कर, नहीं तो तेरे ऊपर का विश्वास टूट जाएगा, कोई तुझे भगवान नहीं कहेगा।
मेरे परिवार के ऊपर जो संकट आया है उस संकट में सब गांव उनके साथ मिला हुआ है, सब खासदार आमदार उनके साथ है। एक सैनिक और क्या करेगा, 3 साल से तड़पता हुआ मेरा परिवार आपसे मौत की गुजारिश करता है। जो मीडिया पत्रकार बंधु मेरे परिवार के लिए मदद के लिए आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं सभी का आभारी हूँ। और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु देने के लिए मैं भीख मांगता हूँ। मेरे परिवार की हमेशा के लिए दहशत को ख़त्म करने की अपील करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे परिवार को मौत दी जाए और मुझे इस दुख से मुक्ति दी जाए। जय हिंद। आपका सैनिक जो आपसे न्याय की भीख मांगता है। जय हिंद सर।